हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंक्लूसिव नीरस। तो बहुत दिन हो गए हैं, मैंने वीडियो कोई बनाया नहीं था, तो सोचा क्यों ना इस बार ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वीडियो बनाया जाए। तो पिछले मैं 2 सालों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहा हूँ, और पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रेटर नोएडा वेस्ट चेंज हुआ है। तो दिखाते हैं आपको कैसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया है। जो पहले था ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो 2 साल पहले वो अंडर कंस्ट्रक्शन था मोस्टली, नाउ थिंग्स हैज ऑलरेडी चेंज, वो दिखाते हैं आपको। जो सामने आपको दिख रहा है वो है एक मूर्ति चौक, और सामने आपको चेरी काउंटी दिख रहा है, ये है आपको चेरी काउंटी, इसको एक मूर्ति चौक बोलते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो छतरपुर, थोड़ा काम है वहाँ पर, तो छतरपुर अभी हम लोग जा रहे हैं। उसके बीच में पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो भी होगा रूट है, सिग्नेचर ब्रिज किधर बन रहा है, देन वॉट इज 4 मूर्ति चौक, जिसको 3 मूर्ति चौक भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है, और ट्रैफिक कैसा होता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, वो दिखाते हैं आपको। तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि एक मूर्ति चौक है, और एक मूर्ति चौक से आप जो 4 मूर्ति चौक जब जाते हो जब, तो उसके राइट साइड में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे अभी राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये पूरे के सारे मॉल हैं, और उसके पीछे अपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है एक मूर्ति चौक से 4 मूर्ति चौक, ये पूरा का पूरा ये कमर्शियल एरिया है, आई विल से दिस वन। और अच्छे अच्छे मॉल खुलने वाले हैं, जैसे कि महागुन है, देन गौर का है, फिर आगे गैलेक्सी का है, और आगे भी एक दो और गौर का मॉल है। इस तरह से ये बना हुआ है। और ये जो बारिश आप देख रहे हो, ये हम लोग कोई अगस्त महीने की बात नहीं है, ये मई मंथ है, और मई मंथ में भी इतनी बारिश हो रही है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 28-29 अभी होगा। तो इस बार अभी तक गर्मी नहीं पड़ी है, और हमें ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि क्लाइमेट जो है थोड़ा शिफ्ट कर गया है। पहले आगे वाला जो चौक आएगा वहाँ से आप राइट साइड जाओगे, तो दैट इज वो क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ आप निकलोगे, और क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले जो रोड में आप जाते हो तो उधर भी बहुत अपार्टमेंट हैं, और अपार्टमेंट के अलावा उधर जैसे फर्नीचर का बढ़िया मार्केट है, जैसे आपको अगर बजटेड फर्नीचर लेना है तो वहाँ से आप फर्नीचर आप वहाँ से आप ले सकते हो, वो एक मार्केट है। अब जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, ये सारे के सारे कमर्शियल एरियाज हैं। ये एक चौक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है पीक आवर में इस वाले चौक पर, और यही सर राइट है वो जो आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक चले जाएंगे। इस वाले मॉल का नाम है गैलेक्सी ब्लू सफायर, तो इसमें आपको रेस्टोरेंट वगैरह सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, और ओपन स्पेस है, जो कमर्शियल एरिया जो सेंट्रलाइज कमर्शियल एरिया नहीं है, ये ओपन स्पेस है। उसके बाद ये भी कमर्शियल स्पेस है, और रोड का आप स्पेस देख रहे हो, पहले मतलब थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है इधर। और ये अलग क्या कहते हैं स्पेस है, कमर्शियल स्पेस, जिसमें ऑलरेडी इन ऑलरेडी आ चुका है, और उसके बाद में भी ये भी है जहाँ पर रिलायंस स्मार्ट वगैरह सारे हैं, ये कोई और प्लाजा है, और उसके बाद में है गौर सिटी मॉल, और उसके सामने ही है आपका 4 मूर्ति चौक, जो फेमस 4 मूर्ति चौक है। और मेट्रो जो प्रोजेक्टेड है वो मेट्रो, जैसा मैंने बताया, 1 मूर्ति चौक पर भी है और 4 मूर्ति चौक पर भी है, और जो भी मेट्रो जो आएगी वो ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो आएगी, इसको एक्वा लाइन बोलते हैं, वो वाली मेट्रो एक्सटेंड होगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट कब से बनना शुरू होगा, सर्वे हो चुका है उसका, बट डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है सर्वे के अलावा, जो कि पेपर में न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रखा है। ये एरिया है, ये स्पॉट है, तो यहाँ पर ये भी गोल चक्कर था, वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ कैसे एक्सीडेंट हो गया। जैसे आगे से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गोल चक्कर में राउंड अबाउट नहीं कर सकते हो, सॉरी, आपको आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे है ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर दूर है परथला चौक, उसके ऊपर अभी सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतना हमने कभी भी मई के मंथ में नहीं देखा है, और पिछले आई थिंक 1-2 वीक से बारिश हो रही है, इस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही है, आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है।
अब ये सामने जो आपको दिख रहा है वो उसको सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं, ये परतला चौक पर बन रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था इस वाले चौक के पास, तो उसकी वजह से ये ब्रिज बनाया जा रहा है, नोएडा अथॉरिटी बनवा रही है। तो वी आर इन नोएडा नाउ, तो हम लोग पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थे, अभी नोएडा में एंटर कर गए और ये सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। तो बन जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा नो डाउट। थोड़ा डिले है बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि एक दो महीने में ये भी स्टार्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ का जो गुलचक्कर है वो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, जो जाम लगता था वो उससे सभी को राहत मिलेगी। और जो नीचे से जो लेफ्ट है, जो नीचे से स्ट्रेट यहाँ से जो लेफ्ट जो रोड जा रही है वो फरीदाबाद एक्सप्रेसवे है, FNG एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, तो वो वाली एक्सप्रेसवे है। तो थोड़ा उसमें भी काम डिले है, आई एम नॉट श्योर कि रीज़न क्या है, बट वहाँ भी काम थोड़ा स्लो है। बट ये सब रोड वैसे भी चौड़ी है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रैफिक पीक टाइमिंग नहीं लगता है यहाँ पर अब। बट अभी ये जब ये जो सिग्नेचर ब्रिज बन जाएगा तो और स्मूथ ट्रैफिक हो जाएगा इस वाले रूट में। ये इसके बाद का ये रूट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड है इस वाले रूट में यहाँ से, और बाइक से जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा रिस्की होता है। जो ट्रैफिक है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इस वाले रूट में। और इधर लेफ्ट साइड में नोएडा के अपार्टमेंट्स हैं, और ये इस वाले रूट में अगेन मैंने बताया था ये परतला चौक है, यहाँ पर भी मेट्रो यहीं से क्रॉस करेगी और इस वाले रूट में मेट्रो जाएगी, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाली मेट्रो होगी वो इसी रूट में जाएगी। और ये आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी पेड़ दिख रहे हैं सारे के सारे नीम के पेड़ हैं, यहाँ पर कोई और पेड़ लगाया नहीं गया है, पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक ये पूरा पेड़ नीम का पेड़ है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जिसने भी सोचा होगा, जो भी सोचा होगा बहुत ही वाइजली सोचा होगा कि क्यों नीम का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन डेफिनेटली कम होता है नीम के पेड़ से। अब हम लोग फ्लाईओवर में चढ़ने वाले हैं और ये फ्लाईओवर सीधे हमें मॉल ऑफ इंडिया के पास उतारेगी, ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर कवर करके पूरी की पूरी नोएडा निकाल कर सीधे मॉल ऑफ इंडिया या GIP के पास, सेक्टर 18 के पास आप बोल सकते हो, वहाँ उतारेगी। तो इस तरह से पूरा ट्रैफिक मैनेज हो गया है। आप राइट साइड में देख सकते हो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर थोड़ा कट है, उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम उधर साइड से हो गया है, बट इट्स टेम्पररी है जैसे। ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो नोएडा में ट्रैफिक प्रॉपरली अब मैनेज किया गया है। मोस्टली आप देखोगे सिग्नल्स हटा दिए गए हैं, सभी जगह यू टर्न बना दिया गया है जहाँ पे सिग्नल था, तो ट्रैफिक जिस तरह से पहले कैओटिक होता था वैसा अब कैओटिक नहीं है, थैंक्स टू नोएडा अथॉरिटी और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, थैंक्स टू दैट। तो अब वैसा ट्रैफिक जाम लगता नहीं है जिस तरह से मैनेज किया गया है। ये वाली अब जो फ्लाईओवर है ऑलमोस्ट जो नीचे से जो भी नोएडा है सिग्नल तो नहीं, यू टर्न या जो ट्रैफिक में आदमी फंसता था जो जिसको दिल्ली जाना होता था, तो वो अवॉइड हो जाता है यहाँ पर अब। ये आइसराम फ्लाईओवर है, यही आश्रम फ्लाईओवर है जो बहुत डिले हुआ है इसको बनने में, बट बनने के बाद ट्रैफिक कंजेशन यहाँ ख़त्म हो गया है, बहुत दिनों से बन रहा था ये, बट इट्स नाउ वेरी स्मूथ। फर्स्ट टाइम हम लोग इनफैक्ट आ रहे हैं इस आश्रम फ्लाईओवर पर। ये जो आश्रम फ्लाईओवर है ये नोएडा DND और फिर आश्रम कनेक्ट करती है, काइंड ऑफ नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करती है ये। अब यहाँ से सीधे एम्स तक केवल फ्लाईओवर मिलेगा आपको, इसी तरह का फ्लाईओवर, छोटे छोटे फ्लाईओवर है। बारिश तो भाई साहब गदर मचा रखा है आज,
फ्लड आ गया क्यों अध्या? क्या दिल्ली का देख लो हालत कैसा हो गया है। ये भी हम लोग अधिचीनी वाले एरिया में, अधिचीनी विलेज, और मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि जाम क्यों इस तरह से लगा हुआ है। तो जाम का रीजन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये देख लो, उधर कोई डेयर नहीं कर रहा कि गाड़ी लेकर जाए उधर, क्योंकि गाड़ी बंद होने का फुल चांस है। जिस तरह से वाटर लॉगिंग हो रखा है यहाँ पर, पागल हो जाएगा आदमी उधर चला गया तो। गाड़ी पक्का बंद होना है, सीज हो जाएगी गाड़ी। ये देखो बाइक वाला डेयरिंग किया, बुलेट वाला भाई साहब। चलो भैया फाइनली, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोएडा। तो लाइटिंग आप देख रहे हो, हम लोग अभी वही हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग उसी वाले फ्लाईओवर में हैं जो कि सेक्टर 18 से ऑलमोस्ट सेक्टर 76 तक मिलाती है, उस वाले फ्लाईओवर पर हैं। और ये आप नज़ारा देख सकते हो, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी रात की ना 11:30 बज रहे और ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का नाइट व्यू, चमचमाती हुई ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये अगेन ये है चार मूर्ति चौक, और ये गौर सर्विस अपार्टमेंट है पूरा का पूरा। लाइटिंग बहुत बढ़िया लगता है वैसे यहाँ का, आई लव गौर सिटी। पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिफाई हो रहा होगा, बट बहुत ही अलग लगता है इस वाले एरिया में।